बांग्लादेश में हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार से नाराज हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के बलिया से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी खुली धमकी और कहा कि मोदी जी प्रखर हिंदूवाद के प्रतीक हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं तो ध्यान रहे भारत में भी वह एक अल्पसंख्यक है। इस बात को समझ लीजिए, अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं तो अपने यहाँ भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का काम करें, अन्यथा हम लोग भी यहाँ बहुसंख्यक हैं। खुलेआम हिंदू युवा वाहिनी ने सड़क पर लगाए नारे, कहा अगर बांग्लादेश में हिंदू का हुआ हनन तो याद रहे मोदी सरकार को दी नसीहत, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा। स्वर्णारानी सतबलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। विचार के जितने भी हमारे अनुसांगिक संगठन हैं, हम सभी लोगों ने मिल करके बांग्लादेश में अपने हिंदू भाई पर हो रहे बांग्लादेशी सरकार द्वारा और बांग्लादेशी कुत्सित विचारधारा के नागरिकों द्वारा जो है हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसके विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से ज्ञापन देंगे और ये पूरे भारत सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर वो मौन न रहे। मोदी जी प्रखर हिंदुवाद के प्रतीक हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब केवल बांग्लादेश में नहीं, अन्य देशों में भी जहाँ कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा वहाँ के लिए हम भारत में रहने वाले हिंदू अपने उन हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे। हमारा और यदि आप उसके प्रतीकों के रूप में समझ लीजिए, यदि हम कहीं अल्पसंख्यक हैं तो हमारे यहाँ भी लोग अल्पसंख्यक हैं। हमारा सिर्फ इस बात को समझ लिया है जो नारे दिए गए हैं, देना चाहते हैं कि हम यदि यहाँ पर अल्पसंख्यक यहाँ पे यदि अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है तो अपने यहाँ भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का काम वो करे, अन्यथा हम यहाँ बहुसंख्यक है, ये संदेश देना चाहते। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें तीज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट जेडी गोयंका पब्लिक स्कूल रसलपुर गया बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।